हमारे YouTube चैनल हेल्थ की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको सुनकर आप जरूर ही हैरान रह जाएंगे कि ऐसा भी कभी होता है। हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताएंगे जो आप पकाकर खाते तो हैं और आप बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन बना के इसको खाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आप इसको बिना पकाए खाएंगे तो आपको और भी ज़्यादा लाभप्रद होगा। हम बात कर रहे हैं अंडे की, यानी कि कच्चे अंडे की। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल हेल्थ की दुनिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर जाकर उस पर क्लिक करें और हमारे इस YouTube चैनल हेल्थ की दुनिया को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली हमारे इस चैनल की सारी अपडेट सबसे पहले मिल सके। क्या आपने कभी अंडे को बिना पकाए खाने की बात सोची है? अगर नहीं तो आपको बता दें, अंडे को उसके नेचुरल रूप में उसी तरह खाने के ढेरों फायदे हैं। अंडे को बिना पकाए खाने में उसमें मौजूद विटामिन ओमेगा 3, जिंक, प्रोटीन और दूसरे पोषक तत्व नष्ट नहीं होते, जो कई बार पकाने के दौरान या तो नष्ट हो जाते हैं या फिर उस मात्रा में नहीं मिल पाते जिस रूप में उन्हें कच्चे अंडे में मिलना चाहिए। दोस्तों, यह बात बिल्कुल सत्य है कि कच्चा अंडा पके हुए अंडे से ज़्यादा फायदेमंद है। अंडे को उसके मूल रूप में खाना थोड़ा अलग हो सकता है और अगर ये आपके लिए पहला मेकअप है तो आपको खराब लग सकता है, आपको इसका स्वाद हो सकता है एक बार में पसंद ना आए। पर अगर आपने कच्चा अंडे खाने का फैसला कर ही लिया है तो सबसे पहले अंडे को अच्छी तरह साबुन से धो लें, इससे उसकी खोल पर जमी गंदगी साफ हो जाएगी। खाने पीने की किसी भी चीज़ को आजमाने के दौरान इस बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए कि आप जो भी कुछ खाएं वह सीमित मात्रा में खाएं। अति हर चीज़ की बुरी होती है। साथ ही दोस्तों, जो अंडा होता है उसकी तासीर गर्म मानी गई है, इसलिए कोशिश करें कि गर्मियों में इसकी ज़्यादा मात्रा ना लें, नहीं तो यह आपको नुकसान पहुंचा सकता है। आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं इसके और क्या क्या फ़ायदे होंगे कच्चा अंडा आप क्यों खाएं। आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि कच्चा अंडा पकाए गए अंडे की तुलना में कम संक्रमित होता है। कई बार ऐसा होता है कि पकाने के दौरान अंडे में मौजूद प्रोटीन की मूल संरचना बदल जाती है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। कच्चा अंडा विटामिन का खजाना होता है, इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन B12 मौजूद होता है। कच्चा अंडा खाने से एनीमिया की समस्या दूर हो जाती है और इससे दिमाग भी तेज होता है। अंडे में एंटीऑक्सीडेंट की भरपूर मात्रा होती है, साथ ही शरीर के लिए आवश्यक अमीनो एसिड की मात्रा की पूर्ति भी इससे हो जाती है। अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो आप उन्हें कच्चा अंडा दे सकते हैं और इससे उनकी मांसपेशियों को ताकत मिलेगी। कोलेस्ट्रॉल भी दो प्रकार का होता है, एक वो जो शरीर के लिए बेहतर होता है और एक वो जो शरीर को नुकसान पहुंचाता है। कोशिकाओं और हार्मोन के निर्माण के लिए कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है। अंडे से मिलने वाला कोलेस्ट्रॉल शरीर के लिए अच्छा माना जाता है। अंडे के पीले भाग में बायोटीन मिलता है जो बाल और त्वचा को मजबूती देने का काम करता है। अंडे के पीले भाग में यानी कि एग योक को बालों में लगाने से बाल कोमल और मुलायम होते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद आप आज से पहले कच्चे अंडे के बारे में नहीं जानते होंगे, इसलिए अगर आप कोशिश करें, अगर आप चाहते हैं तो आप कच्चा अंडा भी खाकर ज़रूर देखें, ये बहुत ही फायदेमंद है। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे वह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और हमारे इस YouTube चैनल हेल्थ की दुनिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।